जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश कुमार एसएससी अरीना में स्वागत करता हूँ। आज हम करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट नंबर 17 और अल्फाबेट एच का सेकंड पार्ट करेंगे। सो वीडियो को आप लोग देखिएगा क्योंकि एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर से लिया गया है। इसमें कुछ रिपीटेड भी मिलेंगे आपको, कुछ डिफरेंट भी देखने को मिलेंगे, तो पूरे वीडियोज को आप जरूर अवेल करने की कोशिश करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इडियम है हमारा हैन पैक्ड हस्बैंड। हैन पैक्ड हस्बैंड का मतलब होता है जोरू का गुलाम, यानी ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपनी पत्नी की ही बात मानता है। एडमायरर ऑफ वंस वाइफ इन अ सर्वाइल मैनर। सर्वाइल मैनर का मतलब हो गया जो बिल्कुल एकदम एकदम उनके अंडर ही काम करता है, चापलूसी तरीके से, ठीक है। और ये काफी इजी भी है, आपने कई बार सुना भी होगा। अगला है हार्ट ब्लीड। हार्ट ब्लीड का मतलब होता है कि किसी के लिए संवेदना महसूस करना, फील जेन्युइन सिंपथी फॉर समवन। देखिए, अगर आपके हार्ट में ब्लीड हो रही है, बोलते हैं ना हम, हमारा जो दिल है वो रो रहा है, या जो हमारा खून के आंसू रोना, यानी कि एक तरीके से किसी के लिए सिंपथी फील करना, आपके हार्ट में दर्द हो रहा है किसी के लिए, यानी कि आपको किसी के लिए सिंपथी महसूस हो रहा है, ठीक है। सो हार्ट ब्लीड मतलब किसी के बारे में महसूस करना, किसी सिंपथी या दया किसी के बारे में महसूस करना। अगला है होपिंग अगेंस्ट होप। देखिए, होपिंग अगेंस्ट होप का मतलब होता है बिना आशा के, विदाउट होप। जैसे होप का मतलब क्या होता है, भाई हमसे कोई काम नहीं हो पा रहा या सही नहीं हो रहा, तो हम होप करते हैं कि हमारा ये काम बन जाए। अब आप होप पे भी होप करोगे तो इसका मतलब तो साफ पता चल रहा है ना कि आपको पता है कि वो काम नहीं हो सकता। झूठा दिलासा देना, झूठी उम्मीद करना, यानी होप अगेंस्ट होप। अगला है हिट द जैकपॉट। अब देखिए, हिट द जैकपॉट का मतलब क्या होता है। हिट द जैकपॉट का मतलब होता है बाय चांस, बाय लक, आपका कोई किस्मत चमक जाना, आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाना, बहुत ज्यादा पैसे मिल जाना, है ना, कुछ कोई लकी ड्रॉ निकल जाना, उसे कहते हैं हिट द जैकपॉट। विंडफॉल, विंडफॉल भी उसे ही कहते हैं, किस्मत, सॉरी, किस्मत का बरसना। विंडफॉल मतलब किस्मत का बरसना। एक यहाँ पे और एक वर्ड है काफी अच्छा सा, बोनांजा। बोनांजा मतलब भी होता है, मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा अचानक से सफलता मिलना, ठीक है। तो बोनांजा, विंडफॉल दोनों याद रखिएगा, सिनोनियम है। अगला है हश। हश हश यानी इसका मतलब होता है गुप्त, किसी चीज को सीक्रेटली करना, फर्टिवली करना। फर्टिवली याद रखिएगा, सरप्टिवली, फर्टिवली, सरप्टिवली, ये जो है सिनोनियम्स है जिनका मतलब होता है किसी भी काम को गुप्त रूप से करना। आप इसे याद कर सकते हैं काफी आसानी से। अगला इडियम देखिए, हश मनी। हश मनी का मतलब क्या होता है, गुप्त रखने के लिए दिया गया पैसा। हश का मतलब होता है गुप्त। तो देखिए, बहुत सारे एक्टर्स हो गए, नेता हो गए, वो क्या करते हैं, अपने सीक्रेट्स को छुपा कर रखने के लिए लोगों को, जिनको पता होता है वो बातें, उनको पैसे देते हैं। तो ऐसे पैसों को कहा जाता है हश मनी, ठीक है। बैटमैन की एक मूवी भी आई थी, एनिमेटेड मूवी, उसका नाम हश हश करके था, तो उसमें भी विलन का नाम हश था, जो एंड तक बिल्कुल सीक्रेट रहता है, किसी को पता नहीं चलता इसके बारे में। तो अगर आपने वो एनिमेटेड मूवी देखी है तो वहां से भी आप इसको याद रख सकते हैं। अगला है हैम एंड हॉ अराउंड। इसका मतलब होता है ट्राई टू एस्केप, ट्राई टू टू बी इवेजिव, इवेड, अवॉइड, मतलब बचना। हैम एंड हॉ अराउंड का मतलब होता है इधर उधर बचते फिरना, छुपते फिरना, ठीक है। सो इवेड याद रखिएगा, इवेड और इवेजिव काफी अच्छे शब्द हैं और ये आते हैं आपके सिनोनियम में भी। अगला है हैंड एंड ग्लोव, ग्लव विद, ग्लोव विद मतलब ग्लव्स की बात चल रही है यहाँ पे। हैंड एंड ग्लोव विद, अच्छे सहयोग से या बहुत घनिष्ठ मित्रता, हाथ और दास्ताने की तरह बिल्कुल हमेशा मिल के रहना। जैसे शोले पिक्चर में जय एंड वीरू वॉज लाइक, जय एंड, यस, जय एंड वीरू वॉज लाइक हैंड एंड ग्लोव विद टुगेदर। तो यानी कि काफी ज्यादा इंटीमेट टर्म्स में रहना, इंटीमेट मतलब होता है नजदीकियां होना, घनिष्ठता होना, ठीक है। अगला है होल्ड नो वाटर। होल्ड नो वाटर का मतलब करने से पहले मैं आपको बताऊंगा होल्ड वाटर।
होल्ड वाटर का मतलब होता है, देखिए दोस्तों, होल्ड वाटर का मतलब होता है टू बी रेलेवेंट, जो सही हो, जो लॉयल हो, या जो किसी की बराबरी कर सकता है, जिसका अपना कोई वैल्यू हो, लेवल हो, उसे कहते हैं होल्ड वाटर। सो होल्ड नो वाटर उसका अपोजिट हो जाएगा, जो रेलेवेंट नहीं होता, सच नहीं होता, बराबरी नहीं कर पाता, जो डिसलॉयल हो, है ना, जो जिसपे भरोसा ना किया जा सके, उसे कहते हैं होल्ड नो वाटर। और होल्ड वाटर दोनों एंटोनियम है। अगला देखिए, हार्ट टू हार्ट टॉक, एकदम निष्ठा ईमानदारी से सही सही बात करना, स्पीक ऑनेस्टली एंड फ्रेंकली। आप ये वाला इडियम याद रख सकते हैं, स्पेड अ स्पेड, स्पेड अ स्पेड काफी बार आया है एग्जाम में, ठीक है। तो स्पेड अ स्पेड मतलब फ्रेंक टॉक, टॉक टॉकिंग इन अ फ्रेंकली मैनर। तो स्पेड अ स्पेड याद रखिए आप, हार्ट टू हार्ट हार्ट टॉक। हार्ट टू हार्ट टॉक तो शायद आप तुक्का भी लगा दें, लेकिन स्पेड अ स्पेड आपसे तुक्का भी नहीं लगेगा, इसी वजह से स्पेड अ स्पेड जरूर याद करिएगा। अगला इडियम हैंग बाय ए थ्रेड। हैंग मतलब लटकना, बाय ए थ्रेड। सो आपको अगर थ्रेड का मतलब पता है तो आप काफी आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे। थ्रेड का मतलब होता है धागा, पतला सा धागा होता है ना, जो उसे कहते हैं थ्रेड। सो थ्रेड, हैंग बाय थ्रेड, अगर आप किसी भी चीज को थ्रेड से लटकाएंगे, दैट मीन्स यू आर पुटिंग दैट थिंग इन वेरी रिस्की सिचुएशन, ठीक है। तो हैंग बाय थ्रेड का मतलब होता है किसी नाजुक स्थिति में होना। अगला है हार्ट इन दी राइट प्लेस। पिछले पिछले वीडियो में हमने किया था हार्ट इन दी रॉन्ग प्लेस। सो अगर हार्ट इन द रॉन्ग प्लेस होता है, जिसका मतलब होता है बैड नेचर्ड पर्सन, और हार्ट इन द राइट प्लेस मतलब होता है गुड नेचर्ड पर्सन, ठीक है। दोनों याद रखिएगा, दोनों आसान हैं। अगला है हॉर्नेस्ट नेस्ट। हॉर्नेस्ट नेस्ट का मतलब होता है कंट्रोवर्सी या विवाद। तो हॉर्नेस्ट क्या होता है, ये एक प्रकार का बी होता है, मधुमक्खी टाइप का, येलो जैकेट। आप लोगों ने अगर मूवी देखी होगी एंटमैन, एंटमैन मार्वल की, तो उसमें एक विलन होता है जो येलो जैकेट पहनता है, तो बिल्कुल वही होता है हॉर्नेट। तो मैं याद करने का तरीका बता सकता हूँ कि हॉर्नेस्ट नेस्ट, शायद हो सकता है कि हॉर्नेस्ट जो हॉर्नेट जो है वो नेस्ट यानी अपना घोंसला ना बनाता हो, इसीलिए हॉर्नेट नेस्ट को विवाद या कंट्रोवर्सी कहा जाता है, क्योंकि वो नहीं बनाता। आप एक बार सर्च करिएगा वो बनाता है कि नहीं बनाता, ठीक है। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, सोचिए कि हॉर्नेट अपना नेस्ट बनाता ही नहीं है, तो हॉर्नेट नेस्ट क्या हो जाएगा, एक टाइप की कॉन्ट्रोवर्सी। अगला हैव अ बॉल। हैव अ बॉल का मतलब होता है एंजॉयड वन सेल्फ ग्रेटली, भरपूर मस्ती करना। देखिए जब भी हम कोई पेट रखते हैं, छोटा पेट हो, थोड़ा बड़ा पेट हो, हमेशा उनके लिए हम खेलने के लिए अगर कोई सामान लाते हैं तो क्या लाते हैं, सिर्फ और सिर्फ बॉल लाते हैं सबसे पहले। सो हैव अ बॉल का मतलब हो गया भरपूर मस्ती करना, ठीक है। आप जैसे पूछते हैं ना, हैव अ बॉल मतलब चलो एंजॉय करने चलते हैं, चलो खेलने चलते हैं, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगला हैड ऑन। हैड ऑन का मतलब होता है किसी भी काम को बिल्कुल सीधे तरीके से करना, या सीधे आप जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में बढ़ते जाना बिल्कुल ईमानदारी के साथ। एक ईडियम और होता है, आई थिंक वो होता है इन योर नोज डायरेक्शन। इन योर नोज डायरेक्शन का मतलब भी होता है सीधे सीधे चलते रहना, यानी जिस डायरेक्शन में आपकी नोज है उसी डायरेक्शन में बिना रुके चलते रहना, ठीक है। अगला देखिए, अगला है हिट बिलो द बेल्ट। हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है गलत तरीके से प्रहार करना, टू स्ट्राइक अनफेयरली। अब ये जरूरी नहीं है कि किसी को असॉल्ट करने की बात चल रही है, हो सकता है कि किसी की इमेज पे या किसी की फैमिली पे किसी पे कुछ किसी प्रकार का गलत आरोप लगाया जा रहा हो, तो उसे भी बोलेंगे हिट बिलो द बेल्ट, जो रूल से अलग होता है, जो इनह्यूमैनिटी को शो करता है। जैसे कि महाभारत में गदा युद्ध होता था, है ना, उस समय गदा रखते थे, युद्ध होता था उनके। तो महाभारत में भीम और दुर्योधन के बीच में जो अंतिम युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद दुर्योधन छुप गया था, तो बाद में जब वो मिला था तो युद्ध हुआ था भीम और दुर्योधन के बीच। तो उसमें जांग पर वार करना, गदा फाइट में रूल था कि कोई किसी की जांग पर प्रहार नहीं करेगा, ठीक है। तो उस पे प्रहार करने को बोलते हैं हिट बिलो द बेल्ट, मतलब जो विदाउट रूल, जो अगेंस्ट द रूल जा करके अनफेयरली तरीके से किसी पे असॉल्ट करना। अगला है हेयर टू स्टे।
हेयर टू स्टे मतलब ये जगह रुकने के लिए है, काफी समय तक रहना। सैड टू रिमेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड। अगला देखिए, अगला है हाई लिविंग। अब हाई लिविंग लो लिविंग काफी इजी है। हाई लिविंग मतलब ऐशा आराम की जिंदगी, लो लिविंग मतलब डिसकंफर्ट काइंड ऑफ लाइफ। अगला है होल्ड समवन टू लीश। होल्ड समवन टू लीश टू रिस्ट्रेन, काबू में रखना। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए लीश का मतलब क्या होता है। लीश का मतलब होता है किसी भी को कंट्रोल में करना, कोई गले में पट्टा बांध देना ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके। आप अगर मूवीज देखते हैं मार्वल की, आपने डेडपुल देखा है, तो उस डेडपुल में क्या होता है, वो एक गले पे पट्टा बांध देते हैं तो वो अपनी शक्तियों को यूज नहीं कर पाता, तो उसे कहते हैं लीश करना, ठीक है, काबू में करना। अगर मैं अनलीश बोलूं, अगर आप कहीं अनलीश देखेंगे तो इसका मतलब होता है बेकाबू हो जाना, है ना। जैसे कई बार लोगों के साथ गलत होता है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी पावर अनलीश कर देते हैं, मतलब वो बेकाबू हो जाते हैं, उसे कहते हैं अनलीश करना। अगला है हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग का मतलब होता है ड्वेल ऑन द सेम सब्जेक्ट। ड्वेल ऑन याद रखिएगा, ड्वेल के बाद ऑन आएगा, इसका मतलब होता है निवास करना, कहीं पर ठहरना। हार्प ऑन थिंक टू थिंक, हार्प ऑन टू थिंक ऑन द सेम स्ट्रिंग मतलब सेम टॉपिक पे, ठीक है। हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग यानी ड्वेल ऑन द सेम सब्जेक्ट, एक ही चीज के बारे में सोचते रहना या एक ही टॉपिक पे बने रहना। अगला देखिए हैमर एंड टंग्स। हैमर एंड टंग्स का मतलब होता है, हैमर का मतलब हैमर, टंग्स मतलब चिमटा। सो हैमर एंड टंग्स का मतलब हो गया किसी भी काम को ग्रेट एनर्जी के साथ करना, ठीक है। आप सोचिए हैमर एंड टंग से तो मेहनत से ही काम करना पड़ता है, लगन से ही करना पड़ता है। अगला देखिए, हैव सेवरल आयरन इन दी सॉरी हैव सेवरल आयरन इन दी फायर, इसका मतलब क्या होगा। हैव सेवरल आयरन इन द फायर का मतलब होता है एक ही समय में कई कार्यों में शामिल रहना, टू बी इन्वॉल्व इन मैनी प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज एट द सेम टाइम, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा इडियम्स H2 पार्ट खत्म हो गया है। इसके अलावा अगर आप प्रीवियस ईयर के 2019 SSC में पूछे गए वो कैब इडियम्स वन वर्ड देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप सब्सक्राइब करिए SSC अरिना, और देख सकते हैं यहाँ पे 2016-17 का ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्पेशल वो कैब जिसमें मॉर्निंग प्रेयर, इवनिंग प्रेयर, स्वान सॉन्ग, भक्ति गीत, मैटीन, है ना, ये सब इसमें कलेक्ट करके जो SSC में बार बार पूछे जाते हैं एक ही वीडियो में दिया गया है। तो कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक और भी काफी सारे प्लेलिस्ट की लिंक मौजूद है, आप वहां जाइए और इन वीडियोस को अवेल करिए। सो आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।